नमस्कार। आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातही कापसाच्या दरात काहीशी सुधारणा झाली। इंटरनॅशनल कॉटन एक्सचेंजवर मार्चसाठीचे वायदे 155 सेंटनी वाढून 107.34 सेंट प्रतिबुशेल्सनं झालेत। तर देशातल्या बाजारात कापसाला 7,700 ते 8,600 रुपयांच्या दरम्यान दर मिळतोय। देशातल्या कापसाचं उत्पादन आणि वापर लक्षात घेता कापूस बाजाराला आधार असल्याचं जाणकारांनी सांगितलंय। काही देशांमध्ये कोरोनाच्या स्थितीमुळे मागच्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर काहीशे दबावत होते, मात्र आता कोरोना स्थिती गंभीर पातळीवर नाही आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाचे दर काहीसे सुधारलेत। इंटरनॅशनल कॉटन एक्सचेंजवर मार्चसाठीचे वायदे 155 सेंटनी वाढून 107.34 सेंट प्रतिबुशेल्सनं झालेत। इंटरनॅशनल कॉटन एक्सचेंजवर व्यवहार 105.88 सेंट ते 107.72 सेंट प्रतिबुशेल्सनं झालेत। आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशांतर्गत बाजारातही कापसाचे दर काहीसे सुधारलेत। देशभरातल्या बाजार समित्यांमध्ये 7,700 ते 8,600 रुपयांच्या दरम्यान दर मिळालाय। राज्याचा विचार करता हिंगोली बाजार समितीत कापसाचे दर 100 ते 150 रुपयांनी सुधारून 8,000 ते 8,300 रुपयांवर पोहोचला आहे। पुलगाव बाजारात कापूस 7,700 ते 8,800 रुपयांनी विकला गेलाय, तर परभणी बाजार समितीत कापूस 8,370 ते 8,570 रुपयांचा कापसाला दर मिळाला आहे। नमस्ते सर, कॉटन की अगर बात करें, देखिए कॉटन में दिसंबर मंथ थोड़ा सा प्रेशर में आया। अच्छी रैली के बाद 34,000 का लेवल एमसीएक्स पे हमने आते हुए देखा। प्राइजेस के अंदर थोड़ी बहुत पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज अराइवल थोड़ा दिखाई देने लग गया और प्राइजेस में भी काफ़ी बड़ी तेजी बन गई थी। जीएसटी के जो रेट्स के अंदर कन्वर्शन आया था, उसकी वजह से भी डिमांड में थोड़ा ड्रॉप था। दिवाली से पहले हमने देखा कि डिमांड बहुत अच्छी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसके लिए भी कॉटन में तेजी थी, बट अब थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर अगले 2-3 महीने की बात करें तो कॉटन कॉम्प्लेक्स बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। पहला कारण है क्रॉप साइज। 370 की क्रॉप बताई गई थी जो 360 तक पहुंची है, कुछ जगह पे 353 या उसके नीचे की बातें हो रही है, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सेकेंडली, इसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है अभी भी, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक थिंग्स आर बी इम्प्रूविंग। लोग बाहर जाने लग गए, इंडिया में 25 लाख शादी है अभी हुई है, तो डिमांड जो है वो कॉटन की कंटिन्यू बनी हुई। सप्लाई साइड ग्लोबल मार्केट में कंस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि जब भी पेंडेमिक होता है ज़्यादा करके अब सप्लाई डिस्टर्बेंस देखते हैं। अभी भी आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखें, काफ़ी ऊंची पे है, जिसकी वजह से माल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में भी 106 सेंट के करीब हम कॉटन को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, जो उम्मीद है 120 का लेवल फिर से पार कर जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक चीज़ और है, कॉटन की जो पिराई होती है या पॉडिंग होती है वो 4 बार होती है। तो पहला अक्टूबर में हो चुकी है, दूसरा दिसंबर में होती है, तीसरा और चौथा जनवरी और फरवरी में होती है। लेकिन जो यील्ड होती है फर्स्ट में ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम होती है। तो इस बार लानिनो की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड की कहीं ना कहीं जो हम ओवरऑल बात करते हैं ये फार्मर्स को पैसे की, तो फार्मर क्या कर रहा है कि दो पॉडिंग के बाद डिस्ट्रॉय करके दूसरे क्रॉप में शिफ्ट हो रहा है। हाँ, इसका टोटल क्लियरिटी हमें जनवरी में मिलेगी, क्योंकि राजस्थान एरिया में हम देखेंगे मस्टर्ड, चना, यहाँ पे भाव तेज होने की वजह से फार्मर्स कॉटन से निकलकर दूसरे क्रॉप पे भी जा रहे हैं, क्योंकि दो बाकी की जो क्रॉप आनी है उसका रेवेन्यू और मस्टर्ड और चने के रेवेन्यू ज़्यादा दिख रहा है एक फार्मर्स को। एंड लास्ट, अगर हम कॉटन की बात करें तो बीच में अनशेड्यूल रेन पड़ा है जिसकी वजह से कुछ डैमेजेस हुआ है, फिर पिंक बॉल वॉर्म की वजह से भी डैमेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड काफ़ी टाइट है, डिमांड काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से अगले महीने 2 महीने में भी कॉटन में तेजी रहेगी। तो लेवल्स वाइज बात करें तो पहला है कॉटन का भाव अभी 31,500 के करीब है, जो मुझे लगता है डाउन साइड में 30,000 या 29,500 का अच्छा सपोर्ट रहेगा। अप साइड में 34,000 का लेवल तोड़कर 36 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा कॉटन के लिए, जो सफ़ेद गोल्ड के रूप में 2022 में चमकना चाहिए। देशात यंदा पाऊस आणि गुलाबी बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे। देशात यंदा 360 लाख गाठींपासून ते 330 लाख गाठी कापूस उत्पादन होईल असा अंदाज वेगवेगळ्या संस्था आणि जाणकार व्यक्त करतात। तसंच बाजारातली आवक आणि वापर लक्षात घेता दर टिकून राहतील अशी शक्यता आहे। कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानं अर्थात CII नोव्हेंबर महिन्यात 77.76 लाख गाठी कापसाची बाजारात आवक झाल्याची माहिती दिली आहे। एक कापूस गाठी 170 किलोची असते।
नोव्हेंबर महिन्यात बाजारात 154.76 लाख गाठी कापसाचा पुरवठा झालाय. यात बाजारात झालेली 77.76 लाख गाठी कापसाची आवक, 2 लाख गाठी आयात आणि मागच्या हंगामातली शिल्लक कापूस हा 75 लाख गाठी आहे. तसंच देशात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात कापसाचा एकूण वापर हा 55.83 लाख गाठींचा झाला, तर या दोन्ही महिन्यात 7 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाल्याचं सीआयनं म्हटलं आहे. नोव्हेंबरमध्ये देशात 91.93 लाख गाठी कापसाचा साठा होता असंही कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे. यासोबतच या व्हिडिओमध्ये ते सांगूयात. अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी पाहत रहा ॲग्रोवन डिजिटल. ताज्या अपडेट्ससाठी भेट द्या ॲग्रोवन.com वर.